मूवी की शुरुआत होती है 200 साल पहले रसिया के एक समुद्र के राजा सीजर से, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेढक को बुलाकर उस मछली के बारे में पूछा जिससे वह शादी करना चाहता था, पर तब उसे पता चला कि वो मछली उसके चंगुल से बचकर निकल गई थी। इसके बाद हम समुद्र के किनारे रहने वाली एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था एमिलिया। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि एक लोहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने जा रहा था, पर अचानक उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई दे गई। उन्होंने एमिलिया को बुलाकर देखा कि क्या वो उनकी मदद करने लायक बड़ा हो चुका है, तो एमिलिया ने काम से बचने के लिए छोटे होने का नाटक किया। इसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी किनारे पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तभी अचानक पानी में बवंडर आ गया और पानी की जोरदार लहर उस पर आ गिरी। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी सी मछली अपने आप आ गिरी थी। अब वह खुशी खुशी घर पहुंचा और मछली पकाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक वो मछली बोलने लगी और उसने कहा कि अगर एमिलिया ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो उसकी तीन इच्छाएं पूरी करेगी। एमिलिया ने कहा कि वह शहर देखना चाहता है लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता। तभी अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाला और सीधा शहर की ओर ले गई। एमिलिया तो बेचारा डर के मारे चूल्हे से चिपका रहा और उसे देखकर आम लोग भी काफी घबरा गए। अब एमिलिया को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगकर कहा कि वो चाहता है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाएं। उसी पल सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर हरियाली छा गई, पूरी सड़क भी पानी से भर गई। और जब एमिलिया जैसे तैसे बाहर निकला तो वह काफी निराश था क्योंकि उसने दो इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी थी। तभी अचानक उसका सामना कुछ गुंडों से हुआ। उन्हें एमिलिया के पास कोई कीमती चीज नहीं मिली तो वह उसकी बाल्टी उठा ले जाने लगे, और एमिलिया किसी भी हालत में उस मछली को खो नहीं सकता था, इसलिए वह बाल्टी छीन कर भाग निकलता है और उस मछली को नदी में फेंक देता है। लेकिन जल्दी डाकू ने उसे फिर से बंदी बनाकर पेड़ में उल्टा लटका दिया। बाद में उसने नदी की ओर से एक लड़की को आते देखा। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद किया तो वह भागकर उस मछली को ढूंढने के लिए नदी के पास गया, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस लड़की ने अपना नाम बेलिसा बताया और उसकी आवाज़ सुनते ही एमिलिया पहचान गया कि यही वो मछली है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया था ताकि वह भाग न सके और अपनी तीसरी इच्छा मांगने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वह रसिया के राजा जार की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता है। उधर शाही महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रथम के साथ थी। रथम उसे तरह तरह के बेशकीमती तोहफे देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जिससे अंदर से एक बौना आदमी बजाता था और सबको लगा कि यह अपने आप बज रहा है। जल्दी एमिलिया और बेलिसा भी जार के महल में आ पहुंचे और उनकी बातें सुनने लगे। तब जार ने रथम को नीचा दिखाने के लिए कहा, यह बाजा तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो एक ऐसी बिल्ली है जिसका गाना सुनते ही लोग खुद खुद नाचने लगते हैं। एमिलिया कूद कर वहां आया और उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीसा को उसे शादी करनी होगी। यह सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई, पर जार उसकी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ और वो एमिलिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया। अब एमिलिया उस बिल्ली की खोज में निकल पड़ा, पर बेलिसा ने उसे समझाया कि उस बिल्ली को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब भी उसे कोई इंसान मिलता है तो बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना सुनाने को कहती है। अगर वो बिल्ली दुख भरा गाना गाती तो वह आदमी वही रो रो कर मर जाता है, और अगर बिल्ली खुशी वाला गाना गाती है तो आदमी अपने आप नाचने लगता है और तब तक नाचता रहता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटता और जल्दी बेलिसा के साथ घने जंगल में पहुंचा। आखिरकार वह काफी मुश्किल रास्ते पार करते हुए उस बिल्ली तक आ पहुंचा। बिल्ली ने उसे गाना सुनाने को कहा तो एमिलिया ने दुख भरा गाना चुना। जब बिल्ली ने गाना गाया तो अचानक एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगा, लेकिन यह वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वह रोने लगी और अंत में एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो गई। वही दूसरी ओर बेलिसा को सीजर का जासूस मेढक मिला। मेढक ने उसे बताया कि शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। यह सब सुनकर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आया, तो बेलिसा ने उसे बताया कि एक बार सीजर ने उसे शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए बेलिसा पर उसका कर्ज है और अब सीजर बदले में उससे शादी करना चाहता है। खैर, फिर वह जल्दी शाही महल में पहुंचे। लॉर्ड रथम शादी के लिए राजकुमारी अनीसा का हाथ मांग रहा था, पर तभी एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर घुस गया। जल्दी बिल्ली ने गाना बजाना शुरू किया और सब लोग अपने आप नाचने लगे। तब जार ने उसे बिल्ली को कहीं दूर ले जाने का हुक्म दिया। वो एमिलिया की बहादुरी से काफी प्रभावित था, लेकिन अब राजकुमारी शर्त के मुताबिक एमिलिया जैसे एक आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने एमिलिया को एक और जोखिम भरा काम देने का फैसला किया। फिर रात को राजकुमारी अपनी माँ जरीना की आत्मा से मिली तो जरीना ने उसे एमिलिया के लिए एक बेहद खतरनाक काम बताया। फिर अगली सुबह लॉर्ड रथम अपने इंग्लिश जूसर से जार को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर भी एक बौना आदमी था जो फलों और सब्जियों का जूस बनाकर बाहर निकलता था, और इस अनोखे जूसर को देखकर जार तो काफी हैरान था। और तभी अनीसा ने वहां आकर अपनी अगली शर्त रखी। उसने कहा कि उसे एक जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज उसी वक्त हाजिर हो जाए। फिर जार ने एमिलिया को बुलाकर उसे एक कपड़ा ढूंढने का जिम्मा सौंपा और जल्दी एमिलिया और वेसिला इस कपड़े की तलाश में निकल पड़े। तो रास्ते में बेलिसा ने उसे बताया कि यह जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। फिर कुछ देर बाद वह एक छोटी
छोटी सी झोपड़ी पर रुकी और वह रहने वाले बाबा से थोड़ा खाना मांगा। तब बाबा ने उसे थोड़ा सा खाना देते हुए कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनकर एमिलिया को बहुत बुरा लगा, पर बेलिसा ने बाबा और उसकी पत्नी की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की तरह हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद काफी देर चलने पर वह पत्थरों के शहर में पहुंचे, जहां दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो दोनों इस तरह खाकर जिंदगी से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि काश कोई आकर यह कपड़ा ले जाए। तब एमिलिया ने उसके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश की, पर दोनों भाइयों ने उस पर नारियल फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। फिर बेलिसा ने जाकर उनसे पानी मांगा और जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि पहले वह बहादुर सिपाही थे जिन्होंने टर्की के सुल्तान का मुकाबला किया था, पर अब वो इतने मोटे हो चुके थे कि चलकर यहाँ से बाहर तक नहीं जा सकते। तब उन्होंने बेलिसा को ये कपड़ा ले जाने को कहा, पर एन वक्त पर उनका मन बदल गया। लेकिन तब तक बेलिसा बड़ी फुर्ती से कपड़े और एमिलिया दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो गई थी। बाद में जब एमिलिया को होश आया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी एनिसा के लिए फूल तोड़े। तब बेलिसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि राजकुमारी तुझे जान से मारना चाहती है और तू उसके प्यार में लट्टू हुआ फिर रहा है, पर एमिलिया उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। उसने बेलिसा को अनिसा के लिए लिखी हुई अपनी कविता सुनाई जिसके आखिर में वो उसे प्रपोज करेगा, तो बेलिसा उसमें इतना खो गई कि उसने ही शादी के लिए हाँ कर दी। और तभी उसने अपने ख्यालों की नगरी से बाहर आकर कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, उस नकचड़ी राजकुमारी से नहीं। फिर बाद में जब वह कपड़ा लेकर शहर पहुंचे तो जार और राजकुमारी अनिसा को खबर मिली कि एमिलिया कपड़ा लेकर लौट आया। जार और अनिसा तुरंत चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें देखा कि एमिलिया सारे शहर में लोगों को मुफ्त खाना बांट रहा था। बाद में अनिसा ने कहा कि वह एमिलिया से शादी के लिए तैयार है, पर उसकी एक आखिरी शर्त थी जिसके मुताबिक एमिलिया को अनिसा की मर चुकी माँ जरीना की आत्मा से उनकी शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। अब एमिलिया एक बार फिर से उनकी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गया। फिर रात को बेलिसा ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया, पर उसने एमिलिया को सावधान करते हुए कहा कि आज तक कोई भी वहाँ से लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन एमिलिया फिर भी डटा रहा। फिर रास्ते में वह दोनों एमिलिया के पिता से मिले, पर एमिलिया बिल्कुल चुप रहा ताकि उसके पिता को पता न चले कि वह यहाँ पर मौजूद है। इस दौरान उसके पिता ने वेलिसा के सामने एमिलिया के बारे में सारी अच्छी बातें कही। जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि एमिलिया भी यही है और उन्होंने उसे आवाज दी। तब एमिलिया ने अपनी सारी शरारतों के लिए उनसे माफी मांगी और वेसिलिया से अपनी आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया। वह चाहता था कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और अब बेलिसा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। बाद में जब वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो एमिलिया ने वेसिलिया का शुक्रिया अदा किया और उसका स्कार्फ लौटा दिया, पर बेलिसा फिर भी उसके साथ आगे बढ़ी और जल्दी दोनों मुद्दों की दुनिया में पहुंच गए। फिर वहां का राजा कुसाई उनसे मिलने आया तो खुलासा होता है कि वेसिलिया असल में उसकी बेटी थी। एक बार वेसिलिया ने एक बहुत बड़ी गलती की थी तो कुसाई ने उसे मछली बना दिया। फिर वेसिलिया ने उसे कुसाई को जरीना की आत्मा को बुलाने को कहा। जब जरीना की आत्मा वहाँ आई तो उन्हें पता चला कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब एमिलिया ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, पर जरीना ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अपनी बेटी वेसिलिया की मदद करने के बदले कुसाई को लगा कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, तो उसने जरीना को खाना देकर उसको श्राप हटाने की बात कही, जिसके बाद आखिरकार जरीना शादी के लिए राजी हो गई। उधर जार ने यह देखा तो वह बेहद खुश हुआ। इधर वेसिलिया ने अपने पिता को अलविदा कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलते ही एमिलिया ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाएगा। यह सुनकर वेसिलिया एमिलिया की ओर दुख भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली बार एमिलिया की आंख खुली तो वह वेसिलिया को भूल चुका था। वह किनारे पर आते ही भाग गया और वेसिलिया फिर से मछली बनकर नदी में चली गई। इसके बाद एमिलिया अनिसा के पास पहुंचा, पर उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे याद नहीं है कि आखिर वह कौन है। यह सुनते ही अनिसा ने खुशी खुशी एमिलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उसे चौराहे पर ले जाकर ऐलान कर दिया गया कि उसने जो भी कारनामे किए वह जादू की मदद से किए हैं, इसलिए अब राजकुमारी अनिसा को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। यह सुनकर जार निराश होकर वहाँ से चला गया। फिर अपने आखिरी वक्त में एमिलिया ने अपना बचपन और अपने पिता के साथ बिताया समय को याद किया। तभी अचानक वेसिलिया सीजर के चंगुल से बचकर एक बार फिर से वहाँ पहुँची। वेसिलिया ने एमिलिया को रिहा कराने के बदले में अनिसा को अपनी शक्तियाँ देने का वादा किया और अनिसा ने खुशी खुशी एमिलिया को रिहा कर दिया। फिर अनिसा ने अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद को रानी बना दिया। उसने अपने पिता जार से उसका ताज छीनकर उसे एक टावर में कैद कर दिया। अब अनिसा की दूसरी इच्छा थी कि वह इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तभी इंग्लैंड के राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आ पहुंचे। उधर एमिलिया अपने घर जाकर उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ है। तभी अचानक उसके पिता ने सुई और धागे की बात की, जिसे सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जल उठी और उसे एहसास हो गया कि वह बेलिसा से ही प्यार करता है। वो और उसे बेलिसा के साथ बिताए हुए समय के बारे में सब कुछ याद आ गया था। अब वह तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा तो उसके पिता और दो भाई भी उसके साथ आ गए। फिर उन चारों ने मिलकर महल का दरवाजा तोड़ डाला और एमिलिया वेसिला को ढूंढने लगा। वेसिला को यकीन नहीं हुआ कि एमिलिया उसे पहचानता है, लेकिन तभी एनिसा बीच में आ गई। उसने कहा कि वह वेसिला की तरह जादूगर नहीं बनना चाहती, पर वेसिला ने उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर दिया और तभी अचानक वो भी एक मछली बन गई और तब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी शक्ति
शक्तियाँ किसी काम की नहीं, क्योंकि वह सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है। फिर अनीशा ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि वह विश मांगे कि अनीशा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ने उससे ये इच्छा मांगी तो अचानक ही समुद्र से सीजर बाहर निकला और अनीशा को अपने साथ ले गया, क्योंकि असल में तो वही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। आगे का बेसिला का श्राप खत्म हुआ और एमिलिया ने उसके पास जाकर अपनी कविता सुनाई और आखिर में उसे चूम लिया। अंत में एमिलिया और बेसिला हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी। तो इसी बात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।